साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई बीसु यादव लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। आप सभी साथी यथाशीघ्र जुड़ जाएं और जो साथी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर जा रही है। आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है, अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद मैं सारे तथ्यों को जो भी बातें हैं आप तक मैं रखूंगा। तो कृपया जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट के माध्यम से बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर जा रही है। फिर उसके बाद सभी बातें होंगी कि आज धरने में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, कैलेंडर कब जारी हुआ, सारे मुद्दों पर बात होगी आप जो भी कमेंट करेंगे। बट एक बार जो लोग जुड़े हैं कमेंट के माध्यम से बता दें। पंकज प्रताप प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, अजीत जी जुड़ चुके हैं, विमलेश जी जुड़ चुके हैं, नदीम जी जुड़ चुके हैं, अरविंद यादव जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि आ रही आवाज़, थैंक यू भाई। एक बार आप लोग वीडियो को सारे ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं, इतना तो हक आप पे मेरा है ही, क्योंकि साथी बार बार मैसेज कर रहे हैं और अपडेट जानना चाह रहे हैं, तो सबको एक एक करके बताना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग सबसे जुड़े हैं, हर जिले के साथ से जुड़े हैं। एक बार इतना तो आप अपने भाई की बात मान सकते हैं। देखिए आवाज़ बैठ चुकी है, गला पूरा बैठा है पूरा, फिर भी धूप थी, बुखार था, लेकिन हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन में कोई कमी नहीं रही। आपने देखा होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। एक बार 20 सेकंड के अंदर सारे ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर एक एक करके उप सचिव से लेकर सचिव तक, भर्ती से लेकर विज्ञप्ति तक से लेके, और क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर, सारे तथ्यों पर बात होगी आप जो भी पूछेंगे, ठीक है। एक बार शेयर आप कर दीजिए। सूर्य प्रकाश जुड़ चुके हैं, एहतशाम खान जुड़ चुके हैं, अख्तर अंसारी जुड़ चुके हैं, राहुल देव, मयंक कुमार यादव, शुभम त्रिवेदी भाई जुड़ चुके हैं, पवन कुशवाहा जुड़ चुके हैं, सूर्य प्रकाश जुड़ चुके हैं, सभी भाइयों का स्वागत है। आइए अब एक एक करके बातें शुरू की जाएं। साथियों आज हजारों की संख्या में हम लोग प्रयागराज के एलनगंज, जहाँ हम PNP बोल सकते हैं, PNP है ना हम लोगों का, उसके जस्ट बगल में ही ऑफिस बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। आज वहीं पे धरना था नया शिक्षा सेवा आयोग के पास, जहाँ पे हजारों डीलेट के हमारे भाई बहन लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। एक तरफ तो भाई काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं धरने से क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई धरने के अलावा हमारे पास घर बैठने के अलावा क्या दिक्कत है, या तो हम घर बैठ के शाम से मोबाइल चलाएं, रील्स देखें, और दूसरा विकल्प ये है कि भाई हम कुछ करें। करने से आज ये निष्कर्ष निकला, आप सबने साथ दिया, ठीक है। ये सिर्फ अकेले बिशु यादव की लड़ाई नहीं थी, आपने साथ दिया तभी उप सचिव, वो कोई उप सचिव हल्के में मत लीजिए, वो भी एक IAS अधिकारी है, ठीक है। उनके साथ एक और नवल किशोर सर थे, एक और सचिव थे जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य हैं उनका एक हिस्सा वो भी हैं। तो दो ऑफिसर आए थे, उनके साथ आयोग के कर्मचारी थे, प्रशासन थे। आवाज़ नहीं जा रही क्या, आवाज़ में कोई इश्यू है क्या? थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करना, थोड़ा सा तेज़। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही है। अब जा रही आवाज़ क्लियर मेरी? राजन जी आप क्लियर करिए कि मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है अब, या इससे भी तेज बोलूँ, चिल्लाऊँ मैं? तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आप सबने एकजुटता दिखाई, और उसी का आज दिन है कि नया शिक्षा सेवा चयन के अधिकारी, जो कभी जवाब नहीं देना चाहते थे ढंग से किसी चीज़ का, हर चीज़ में गोपनीयता रखते थे, आज वो AC वाले कमरे से निकल करके बाहर आए और हम लोगों के धरने में, पहले तो हमको और अध्यक्ष जी सबको बोला गया कि चलिए आप लोग 4-5 सदस्यीय टीम मुलाकात कर लीजिए, हमने कहा नहीं, ये सब ज्ञापन और लेटर हम लोग 6 साल से दे रहे हैं, आयोग भले नया बना होगा ये, लेकिन हम लोग ये सब काम 6 साल से कर रहे हैं, ये जो भी काम होगा जो भी बातें होंगी
हमारे जो साथी यहाँ धरने में आए हैं समय निकाल के, कोई जौनपुर से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई पूर्वी पश्चिम से हमारे साथी आए थे दूर दूर से, और कुछ हमारी बहनें थी इतना दूर से आए, और हम लोग जाए चार लोग कमरे में बंद करके बात कर ली, ये सब नहीं होगा, जो भी बातें होंगी उन लोगों के सामने होंगी। उप सचिव आए नवल किशोर सर थे, एक और कोई था साथ में, नाम नहीं मैं आता, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि नई शिक्षक भर्ती के ही संबंध में आज लखनऊ में मीटिंग है, और सचिव जी वहीं गए हुए हैं मनोज सर, और हम लोग उस आयोग के सदस्य के हिस्सा हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला, ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला, और सिर्फ मेरे कार में थोड़ी बोला, वहाँ पब्लिकली थे, वहाँ पे 100 कैमरे लगे थे, यूट्यूबर थे, आप लोग थे, सबके सामने उन्होंने ये बात बोला कि बहुत जल्द हम लोग कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं, एक मीटिंग होनी है एक सप्ताह में, एक दो सप्ताह में एक मीटिंग होनी है, ठीक है, और उस मीटिंग में इसी बात की जिक्र होनी है कि कैलेंडर जारी करने का सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है, तैयारी हो चुकी है, अब योगी जी को आदेश देना, और देना पड़ेगा, क्योंकि दबाव योगी जी ने खुद ऊपर से ये चीज़ों को बोला है कि यथाशीघ्र सभी रिक्त पदों को भरा जाए, ठीक है। उसके बाद इस अधिकारी उन्होंने मीडिया के सामने आकर सारी बातों को बोला, हमने तो कुछ साथियों ने खड़ा होकर, कुछ भाई बहनों ने खड़ा होकर के ये बोला कि अगर आप अपनी बात से मुकर गए तो, बोले कि ये नौबत नहीं आएगी, 15 अगस्त तक उन्होंने समय दिया, बोला कि ये नौबत नहीं आएगी कि आप दोबारा आपको कैलेंडर के लिए आना पड़ेगा। तो हमने, आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने खुद उनसे सवाल किया, हमने कहा सर अभी कुछ दिन पहले मैं शिक्षा मंत्री जी से बात किया था, SCERT क्या बोल रहे हैं आप, मैं सबका जवाब दूंगा लेकिन थोड़ा सा बातें आप सुन लीजिए। तो मैंने उनसे बोला, जो उप सचिव जी आए थे, मैंने कहा कि सर मैं खुद SCERT गया था, वहाँ के बेसिक के सचिव से मिला, मुलाकात किया था, और फोन वार्ता के भी मैंने जिक्र किया कि मैंने शिक्षा मंत्री से बात किया, तो वो लोग तो कह रहे थे कि सरप्लस टीचर हैं, शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई वो लोग हमारे सीनियर हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना भरोसा हमारे पे कर लीजिए, मैं इतने लोग देख चुकी, एक अधिकारी कभी मीडिया के सामने या फिर सार्वजनिक धरने में आकर के बहुत जल्दी नहीं बोलता है, लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोला, अगर क्या बोलते हैं कि कैलेंडर जारी नहीं होता है तो आप लोग भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, तो हमने भी उनसे कह दिया कि भाई अगर जो आप डेट दे रहे हैं अनुमानित 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे आप मुकरे तो हम भी यही हैं, और हमारे लोग भी यही हैं, और हमारे भाई बहन भी यही हैं। आज 10,000 की संख्या में अगर युवा आए हैं तो कुल 10 लाख की भी संख्या में आएंगे, हो सकता है कि कल कंट्रोल भी ना आप कर पाएँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नौबत नहीं आएगी और ना आपको शिकायत मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ साथियों ने कहा कि अनवरत धरना चलाया जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि अनवरत धरना चलाने का क्या बात, तो फिर यहीं कट जाएगी ना अनवरत। कुछ लोग कह रहे थे कि पत्थर गिर जाकर चलाया जाए, हमने भी विचार दिया, कुछ कोचिंग वाले भी लोग थे कह रहे थे कि अनवरत चलाया जाए। आप ही बताओ साथियों कि कुछ साथियों का यूपी पुलिस का पेपर लगा है, कुछ लोग BEd भी शायद दे रहे, जो भी चीज़ें हों दे रहे हैं अपना पेपर, इस स्थिति में भाई उनको पुलिस की भर्ती इतने दिन बाद मिली है और उसी में धरना कराना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं लग रहा था। और जब इस नए आयोग के उप सचिव ने बात कही है तो कहीं ना कहीं उनकी बात का भी तो हमें आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम यहीं से जाके अनुरोध धरने पर बैठ जाते हैं तो फिर तो बात हमारी उनकी कट जाती, जब वो कुछ समय मांगा है उन्होंने, जब हम 5-6 साल वेट कर सकते हैं तो 10-15 दिन क्यों नहीं। तो फिर यही हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बीच में रक्षाबंधन है और फिर क्या बोलते हैं कि पुलिस का पेपर है बच्चों का, ये इन सब में हम लोग उनका उनकी बात का वेट भी कर लेंगे, उनका भी मान सम्मान रह जाएगा और हमारे साथियों का पेपर भी। और उसके बाद साथियों हम लोग तो खाली आदमी इस टाइम बैठे हैं, जब जब जरूरत होगी तो हम लोग आंदोलन का आह्वान कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग का ये पहले स्टेप का जीत है, लेकिन खुशियाँ उतना ही मनाने खुशियाँ मनाने का भी समय नहीं है जब तक हम लोग कैलेंडर देख लें। हाँ, मैंने एक बात ये बोली सर से कि सर आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, आप पेपर भले नवंबर दिसंबर तक ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कैलेंडर जारी कर दीजिए। तो उन्होंने कैलेंडर जारी करने पे, और ये साथियों ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, आप लोग इतने एक्टिव हो कि वीडियो अब तो पहुँच गया होता, पहुँच तो गया ही होगा किसी न किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कोचिंग जो भी वहाँ पर लाइव चीज़ें चल रही थी, आपने देखा होगा,
इसीलिए हम लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया था कि हम लोग कुछ भी मतलब कि बंद कमरे में नहीं करेंगे। बंद कमरे में ना हम लोग ज्ञापन देंगे, ना यहाँ सामने ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने का समय गया। ज्ञापन आप लोग आज से दे रहे हैं क्या? कोई मंत्री, विधायक, सांसद, जिला अधिकारी कोई बचा है कि जहाँ हम लोग ज्ञापन ना दिए हों? BSC से लेके कोई अधिकारी, PNP से लेके SCRT तक कोई बचा है कि जिसको हम लोगों ने ज्ञापन ना दिया हो? अब ये सब क्या बोलते हैं, ज्ञापन का समय खत्म हो चुका है। हाँ, इतना है बस साथियों कि कुछ दिन का उन्होंने समय मांगा है, तो हम लोग वेट कर ले रहे हैं। और अगर निगेटिव चीज़ें होंगी तो हम भी यही हैं, विष्णु यादव भाई भी यही है, और आप लोग भी साथ, तो फिर चला जाएगा। अब तो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल चुका है, हम लोग के युवाओं का गढ़ है प्रयागराज। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यूनिटी बना के रखिए। मिंटू कुमार गुप्ता जुड़ चुके। हाँ, आपके कुछ और सवाल हो आप पूछ लीजिए। और एक अपील रहेगी कि सारे ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कुछ साथी हैं बार बार मैसेज कर रहे, रिप्लाई नहीं जाता तो बुरा भी मानते हैं। आइए सामने से बातें कर लेते हैं, एक एक करके। आदमी कितना टाइप करेगा मैसेज, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, अगर किसी का नहीं हो पाता तो उसके लिए मैं माफ़ी भी दिल से चाहता हूँ। लेकिन साथियों, अगर सामने से बातें हो जाए तो और क्या दिक्कत है। रंजन क्या करें भैया, सिर्फ आप पर ही विश्वास है। आप जिस दिन बोल देंगे बल्कि कुछ महीने आएगी तो हम अपना जॉब छोड़कर तुरंत आ जाएंगे इलाहाबाद। साथियों, मैं पूरा दिल से लगा हूँ, इसीलिए मैं घर था। तबीयत देखे, आप चेहरा देख के आप लोग पता लगा सकते हो कि तबीयत ख़राब है। आज मैं बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से, फिर भी जितना अपना बेहतर ही देता हूँ। गला बैठा है, लेकिन आप लोगों से बातें करने की इच्छा थी, मैं सोचा कि साथियों से बातें तो करूँगा। मिंटू कह रहे हैं भैया जी गाजीपुर से, वेलकम, सबका स्वागत है। अखिलेश यादव, अखिलेश जी जुड़े हैं, देवेंद्र गंगरवा जी जुड़े हैं। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके दिखाइए, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। आप अपने कमेंट करिए, जिसके जो भी सवाल हैं सबका जवाब मैं दूंगा। अख्तर अंसारी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कर दिया शेयर भैया, थैंक यू अख्तर। सारे ग्रुप में आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि जो भी सोचना है। रूबी खान क्या कह रही है, रूबीशु भैया आप आगे बढ़ें और निष्कर्ष ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, हम सब अकेले, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी बहन। आज मुझे लग रहा है कि 50-60 की संख्या में बहनें भी हमारी थी, अच्छा लगा। इतना जो भी बहनें हम लोग की यहाँ आती होंगी, इतना तो है कि घर से या फिर सगे भाई से जो उम्मीदें रहती हैं उतना ही हम लोग यहाँ पर अपने बहनों का ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बैठने से लेकर के पानी पीने तक सारी व्यवस्थाएँ थी। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि आगे हम, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उप सचिव ने कोई बात कही है तो दोबारा हम भी चाहते हैं यार कि इसको सौंप रखिए क्या। अगर वो अपनी बात पर खड़े उतरते हैं तो सौंप थोड़ी लगा है कि हम लोग धरना देने को बाध्य होंगे, और वो अपने बात से मुकरेंगे। इस बार तो गेट के बाहर आंदोलन हुआ है, अगली बार गेट के अंदर आंदोलन होगा, आयोग के अंदर आंदोलन होगा, तो हम लोग अध्यक्ष सचिव सब मिल जाएंगे तब तक, क्या दिक्कत है। अभिषेक उदय कह रहे हैं कैलेंडर कब तक जारी करने का आश्वासन दिया है? 15 अगस्त तक की बात उन्होंने कहा है, उसके बाद हम लोग की हलचल खुद बढ़ जाएगी। हलचल बढ़ जाएगी तो अब फिर इस बार तो अंदर हम लोग घुसेंगे। अर्पित शुक्ला कह रहे हैं कब तक भर्ती आ सकती है? भर्ती का भाई अभी देखो, कैलेंडर की हम लोगों ने बात वही किया है, यही बात उनसे हम लोगों ने कहा कि सर जिस प्रकार से BPSC अपना कैलेंडर जारी कर देता है पूरे साल भर का, उसी प्रकार आप जारी करिए पूरे साल का कि हाँ कि कब कौन सा एग्जाम आप ले रहे हैं, ताकि ये हम लोग धरना धरने बंद करें। हम लोग पढ़ाई करें कि यही हम लोग कर जिंदगी भर। देवेश गंगवार कह रहे हैं भैया आपके संघर्ष को सलाम, थैंक यू। अर्पित जी अभी जवाब दिया आपका मैंने। अनुराग जी जुड़ चुके हैं, विशु भैया जिंदाबाद, थैंक यू अनुराग। हाँ, करण कुमार कह रहे हैं कि विशु भाई पहले UP TET आएगा या Super TET? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखो साथियों, वीडियो आप लोग सिर्फ DLED नहीं, हर वर्ग के लोग देखते हैं, तो चूंकि भाई के प्रश्न में सबका जवाब मैं दे दे रहा हूँ। कैलेंडर जारी होगा तो टेट से लेके, Super TET से लेके, उसके बाद माध्यमिक में जो ये TGT PGT हैं, सबका कैलेंडर साथ में जारी होगा, सिर्फ बेसिक का नहीं होगा। हाँ, कुछ साथी कमेंट में वो मुझे कर रहे थे ऊपर, तो मैं देखा, कह रहे हैं कि सचिव जी तो कैलेंडर के बाद बोले, लेकिन उन्होंने ये कहाँ बोला कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कैलेंडर। भाई मेरे,
हजार लड़के सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, उनको नहीं पता है कि कौन नीचे में आके आंदोलन कर रहा है। भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि इतना तो उनको पता होगा, जब प्रशासन गया होगा, इंस्पेक्टर आए थे, सब लोग गए तो बोले होंगे ना कि हाँ कौन से वर्ग के लोग धरना दे रहे हैं, क्या हमारे हमारे धरने में आके वो टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे? नहीं ना, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात होगी। और वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, उन्होंने प्राथमिक का भी नाम लिया, मेरे पास है वीडियो, अभी कुछ ही वीडियो वायरल हुआ, कुछ है कैमरे में, तो धीरे धीरे वायरल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात जो हुई है कि कैलेंडर जब जारी होगा, बेसिक से लेके माध्यमिक से लेके जो सब जितने भी हैं, टीजीटी पीजीटी हिलटी पीजीटी जितना होता है सर ना, इस आयोग के अधीन जितने भी परीक्षाएं होंगी कराने को, सबका एक साथ जारी हो जाएगा। टेट पे जो भी होगा करने को, सब हो जाएगा। सुनील बिंद कह रहे हैं सैल्यूट गाजीपुर, थैंक यू सुनील। अनन क्या कह रहे हैं, बीसु भाई क्या जूनियर में भी वैकेंसी आ सकती है? देखिए भी हम फिलहाल जो लड़ाई हमारी है नई शिक्षक भर्ती की थी, जूनियर की ना हमने कोई बात करी। हाँ लेकिन ये मैं इस बात ये बात मेरी हुई थी कि सर कैलेंडर बेस्ड, उन्होंने कहा था कि सबका जारी होगा, जो जो परीक्षाएं विभाग की जिम्मेदारी मिली है मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि यथाशीघ्र इसको भरने का, तो कैलेंडर सबका जारी होगा। आज विधानसभा में रंजन क्या कह रहे हो, आज विधानसभा में शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया कि नहीं भैया, प्लीज बताइए, क्योंकि आप बोल रहे थे उठावाएंगे मुद्दा। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि रागिनी सोनकर जो विधायक हैं, उन्होंने आज विधानसभा में मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम लोग तो अभी फ्री होके आ रहे हैं रूम पे, अभी मैं घर नहीं गया, मैं यहीं पे रूम पे हूँ। तो मुझे सूचना, मैंने वीडियो भी देखा नहीं है, आप लोगों ने अब जो लोग घर पे थे एक बार आप लोग देखिए, और कुछ लोग बताइए कमेंट में क्या विधायक ने मुद्दा उठाया था या नहीं उठाया था, क्योंकि हम लोगों ने सूचना वहाँ पे पार्टी जो है विपक्षी पार्टियाँ सभी सबको हम लोगों ने दे दिया था कि ये मुद्दा उठना चाहिए। और अब मैं देखूंगा सोशल मीडिया पे कि हाँ किसने मुद्दा उठाया किसने नहीं उठाया, क्योंकि भेजे थे हम लोगों ने, मैंने खुद भेजा था मुद्दा पार्टी को, जितने भी विपक्षी मुख्य पार्टियां हैं सबको हम लोगों ने ये मुद्दा भेजा था, और वहाँ से कहा भी गया था कि जरूर ये मुद्दा उठेगा, और उसमें क्या बोलते हैं इंक्लूड भी किया गया था, जो होता है ना कि हाँ किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं, तो विपक्ष के द्वारा ऐसे से भर्ती मुद्दे को ऐड किया गया था, कौन उठाया कौन नहीं उठाया, आज उठाया कि कल उठाएगा, ये मैं नहीं देख पाया अभी तक, आप ही बताना। विकास राय कह रहे हैं विशु में भैया ने भैया विशु, विकास जी थैंक यू, वेलकम। और किसी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मेरा गला बैठा हुआ है। और अमित या तो क्या कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है। हाँ अब जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है नेता प्रतिपक्ष है, उन लोगों ने सब लोगों ने ट्वीट करा है मुद्दे को लेकर के। हाँ तो रामानंद जी क्या कह रहे हैं, बेसिक में भर्ती पुराने बेस पर होगी या कुछ बदलाव करेगा शिक्षा विभाग? अरे भैया पहले आवे था, आने दीजिए, उसके बाद जैसे एक बार कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बेसिक के जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, तो उसके बाद चर्चा किया जाएगा ना। अभी मतलब क्या बोलते हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, हम नामकरण आपको करना शुरू करवाना चाह रहे हैं, तो एक बार क्या बोलते हैं कैलेंडर जारी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग सचिव से मिला जाएगा ना, सर क्या हो रहा है, हम टीम मिलेगी, हम लोग मिल लेंगे अपना आराम से, क्या हो रहा है किस पैटर्न में भर्ती होगी वो सूचना तो मिल जाएगी, वो तो अंदर जो भी बाबू साहब अधिकारी हैं सब जुड़ जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। पहले हम लोग का ये लक्ष्य है कि कैलेंडर जारी हो जाए। मोहम्मद अकील अलवी अलवी जी कह रहे हैं कि भाई आज क्या हुआ भैया, पूरा लाइव इतना लंबा चला है, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, पूरा उसी मुद्दे पे बात हुई है, उसके बाद अगर कुछ होता था पूछिए, उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा तो जो साथी पहले से जुड़े हैं वो बोरिंग महसूस करने लग जाएंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आर पी शुक्ला कह रहे हैं कि अभी नहीं उठाया गया है अपना मुद्दा, साथियों अगर नहीं उठाया गया है तो कल हो सकता है उठे, लेकिन उठेगा जरूर, क्योंकि हम लोग कहीं नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा शामिल किया गया है और सवाल किया जाएगा, उस पर जवाब भी देंगे शिक्षा मंत्री जी। रामानंद जी कह रहे सदन में आज मुद्दा नहीं उठा, साथियों नहीं उठा तो उठेगा, मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद उनसे बात की है, विपक्ष को भेजा है पत्र, तो ये मुद्दा उठेगा, शामिल किया गया है, आज नहीं उठा तो जो भी नेक्स्ट वाले में जब भी हो उठेगा। सचिन गंगवार जी कह रहे भाई अब भर्ती आ जाए, बिल्कुल भाई हम लोग उसी के लिए तो लगे हैं भाई,
क्या शौक लगी बताओ, आखिर धरने में लौटना सड़क पे ये सब। दिव्य सिंह क्या करें, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका ऑल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। आप लोग साथ देते हो तभी हम लोग कुछ बोल पाते हैं, अब कहीं खड़े हो पाते हैं और अब कहीं दोस्तों से बोल पाते हैं। आप नहीं हो तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आप साथ हो तो अधिकारी भी बात करने आते हैं, अधिकारी मिलने आते हैं, सचिव तक मिलने आते हैं, सिर्फ आप लोगों के देना। आप लोग साथ बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमेशा आप लोग जो उम्मीद करते हैं उस उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। अमित यादव जी नमस्कार, विष्णु भाई नमस्कार, अमित जी, मिंटू कह रहे हैं विष्णु भैया आपको सैल्यूट, थैंक यू सो मच। और आपके जो भी सवाल बचे होंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, चाहे कमेंट कर देना, बाद में आप एक पोस्ट के माध्यम से सब बता दूंगा। बाकी कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।